जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में आज आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक्स सर्विस मैनों के लिए नौकरियां हैं, नौकरियां देखेंगे डिटेल में। दूसरी बात करते हैं जवानों को मिलेगी लेवल 4 की सुविधा और ईसीएम और उनके डिपेंडेंट्स को भी नौकरी देने का प्रस्ताव हम करते हैं, इसका स्वागत। खबरें देखते विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, एक आपने DO2 देखा होगा जिसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी निकली है एक्स सर्विसमैन को, और यानी ये स्टार्ट है आपकी मई और मई से आगे कहां कहां पर है इसके साथ आपने देखा उनकी किस पोजीशन की आपको स्टेटस क्या है, उसका रैंक किस रैंक को मिलने वाली है, कहां लोकेशन है, क्या है सैलरी और कॉन्टेक्ट डिटेल आप पूरा पढ़ सकते हो, ये PDF में आपको मिल जाएगा। आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर के आप कहाँ एलिजिबल हो कॉन्टैक्ट करिए और अपना ऑनलाइन अप्लाई करिए और जो भी प्लेसमेंट चाहते हैं जितने एक्स सर्विस मैन है उसका फायदा उठाइए। दूसरी बड़ी बात करते हैं जवानों को मिलेगी लेवल 4 की सुविधा। हाँ जी दोस्तों, एक बहुत ऐसी एक खबर है जिसको हम स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि आज वर्तमान में जो भी हमारे जवान लेवल 3 की किट पहनते हैं, यानी कौन सा BPJ ब्लड प्रूफ जैकेट या पटका, अब वो हमारे जवानों की जान की रक्षा नहीं कर पा रहा है। आपने देखा होगा कि जो भी टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उन्हें जो उनके पास जो बुलेट है यूज कर रहे हैं, आर्मर पिर्सिंग बुलेट का प्रहार जो कि लेवल 3 उसको कवर नहीं कर पा रही, उससे कई जवान इंजर्ड हो गए। यानी ये जो बुलेट है और ये जो गन्स हैं ये अफगानिस्तान से आई हुई जो कि अमेरिकन आर्मी छोड़कर चली गई है। इस खतरे से निपटने के लिए लेवल 4 का डिजाइन किया जा रहा है जिससे इस बुलेट को बिल्कुल, यानी इस बुलेट का जवानों के ऊपर कोई असर नहीं होगा और जवानों की जान को कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तीसरी बड़ी बात करते हैं दोस्तों ईएसएम और उनके डिपेंडेंट्स को। हाँ जी, एक्स सर्विस मैन और उनके डिपेंडेंट्स को एक आरक्षण की प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया है राजस्थान सरकार ने और राज्यपाल ने भी इसको मंजूरी दे दी है। उन्होंने क्या है कि जो भी एक्स सर्विस मैन है, राजस्थान से बहुत सारे एक्स सर्विस मैन है, उनको जो नौकरी मिलती है उनका आरक्षण भी सेपरेट किया जाएगा और उनकी मेरिट उन्हीं लोगों में से बनेगी। यदि वैकेंसी कम रह जाती है तो वो जवान अपने घर में किसी भी आश्रित यानी डिपेंडेंट्स को अपनी फैमिली में सैनिक की तरह आरक्षण दिलाया जा सकता है। बहुत अच्छी पहल है, शायद कल शाम को मैंने इसके बारे में बात किया था ताकि लोग इसका लाभ उठाएं, ये मैंने प्रकाशित किया। थैंक यू दोस्तों, आज बने रही हमारे साथ। आज की खबरों बस इतना।